हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। मेरे पास है रियलमी का लेटेस्ट डिवाइस रियलमी C12। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C12 के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को कैसे लॉक कर सकते हैं। कई बार सिक्योरिटी रीजन कारण आपको अपने एप्लीकेशन लॉक करना बहुत जरूरी रहता है, जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई लीक ना कर सके। जैसे कि आपके फोटो हो गए, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप लॉक करना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, आपको हम यही बताने वाले हैं कि एप्लीकेशन लॉक कैसे करें। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बस सेटिंग में हम यहाँ से आ जाएंगे सेटिंग। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है प्राइवेसी, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप्स लॉक, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको मांगेगा सेट पासवर्ड, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। यहाँ से हम अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड, अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो यहाँ और ऑप्शन मिलता है अदर इंक्रिप्शन मेथड, इस पर क्लिक करके आप पैटर्न कोड लगा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, आप जो भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पैटर्न कोड लगाना, पैटर्न कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से अपना एक पैटर्न डाल देते हैं। इसे यहाँ से हम करेंगे वेरीफाई, ये पैटर्न हो गया भाई। अभी पूछ रहा है आपसे हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ योर टीचर का नाम। आपको जो भी एक टीचर नेम होगा, कोई अपने टीचर नेम डाल दें, जो कि आपको अगर आपको जो पैटर्न डाला आपने उसे भूल जाए तो इसके क्वेश्चन की मदद से आप इसे यूज कर सकें। रीसेट करके आप इसे अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से मैं नाम डाल देता हूँ, मैंने अपने टीचर का नाम डाल दिया और इसे हमने कर दिया डन। इसे डन करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं, आपको चार एप्लीकेशन के ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिले, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर आप इन्हें ना करते आप दूसरे भी इन्हें टिक कर सकते हैं जो आपको और चाहिए। जैसे कि हम यहाँ से और ले लेते हैं कुछ एप्लीकेशन, एक हमने फाइल ले लिया है यहाँ से, और ये हमारे बस के अंदर पांच एप्लीकेशन लॉक हो गए हैं जो हमने लॉक लगाए हैं। चलिए इन्हें यहाँ से कर देते हैं डन, और एप्लीकेशन हो चुके हैं लॉक। हमें इन्हें चेक कर लेते हैं जो हमने एप्लीकेशन लॉक किए हैं उन पर लॉक लगाया है नहीं। यहाँ से हम चलते हैं बैक, बैक जाने के बाद आप देख रहे हैं एक तो हमारा गैलरी था, गैलरी पर आप देख रहे हैं जैसे कि हमने पैटर्न डाला था वो पैटर्न डाला, और पैटर्न डालने के बाद हमारी गैलरी एक्सेस हो गई है। और हम चेक कर लेते हैं यहाँ से हमारे कौन था, एक तो कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट पर आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न डालेंगे तभी एक्सेस हो रही है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। अब जरूरत पड़ती है हमने अपने एप्लीकेशन को लॉक कर दिया, उसे अनलॉक कैसे करें। चलिए अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है फिर से प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आने के बाद फिर से आ जाना है हमें ऐप लॉक पर। जैसे ऐप लॉक पर क्लिक करें, यहाँ से आपने जो पैटर्न डाला वो पैटर्न डालेंगे। पैटर्न डालने के बाद आपने जो एप्लीकेशन लॉक किए थे वहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है शो लॉक्ड ओनली, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करें यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो एप्लीकेशन आपने लॉक किए हैं इन्हें यहाँ से कर सकते हैं अनलॉक। इस प्रकार से इसे करेंगे अनलॉक, ऐसे आप एक करके सारे एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अनलॉक कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने जो कोई भी पैटर्न लॉक नहीं है हमारे फ़ोन पे, ना ही हमारे कॉन्टैक्ट पे है कोई भी पैटर्न जो हमने डाला था। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और Realme C12 की आपको और कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, मैंने वहाँ सारी वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और Realme C15 की आपको और कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ सारी वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।